नमस्ते दोस्तों, आप लोगों को पुष्पिता सिंह के चैनल पर स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम शेयर कर रहे हैं गुलाब जामुन, जो आप सभी को बहुत ही पसंद आएगा। तो इसे बनाने के लिए हम गैस पर कढ़ाई चढ़ा देते हैं। उस पर 2 कप पानी और 1 कप चीनी, इसको अच्छे से घोल लेते हैं। और इस पर जब उबाल आएगा तब 2 इलायची और थोड़ा सा हल्दी पाउडर इस पर डाल देते हैं और इसको तब तक पकाना है जब तक ये चिपचिपा सा ना हो जाए। और ये देखिए, इस तरह से चिपचिपा होना चाहिए। और ये हमारी चाशनी बनके तैयार हो गया है। अब इसे एक बोल पर रख लेते हैं। अभी ले लेते हैं ब्रेड। और ये देखिए, ब्रेड के चारों तरफ को हमें काट कर निकाल लेना है कुछ इस तरह से। और ये देखिए, सारे ब्रेड के साइड को हमने निकाल लिया है। अभी इसको छोटे छोटे करके तोड़ना है। अभी इस पर 3 चम्मच दूध पाउडर, 1/2 कप दूध और 1 चम्मच घी डाल लेना है और इसको अच्छे से मसल लेना है। और तब तक मसलना है जब तक ये बिल्कुल नरम ना हो जाए। और ये देखिए, अभी ये बिल्कुल नरम हो चुका है। अभी इसमें से थोड़ा थोड़ा करके ले लेंगे और इस तरह से बॉल जैसे बना लेंगे। ये देखिए, ये मैंने बना लिया है। अभी इस तरह से सारे के सारे बॉल्स बना लेना है। ये देखिए, अभी पैन ले लेते हैं। उस पर ऑयल गरम होने के बाद धीमी आंच पर ये सारे एक एक करके डाल लेना है और इसको तब तक पकाना है जब तक इसका कलर गोल्डन ना हो जाए। तो दोस्तों, ये रेसिपी आप लोग घर में ज़रूर एक बार ट्राई कीजिएगा, क्योंकि ये बाज़ार से मिलने वाली मिठाई जैसा ही बहुत ही टेस्टी होता है और ये बनाने में भी बहुत ही सिंपल। और इससे आप लोग अपने बच्चों को भी खिला सकते हैं, वो उसको ये बहुत ही पसंद आएगा। और ये देखिए, ये गोल्डन हो चुका है। अभी हम इसको निकाल लेते हैं और इसे निकालने के बाद जो हमने चाशनी बनाया था उस पर डाल देंगे और 2-3 घंटे के लिए भिगोकर रख देंगे। तो दोस्तों, ये रेसिपी कैसा लगा आप लोग हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और ये देखिए कितना सॉफ्ट बना है और ये मुंह में जाते ही घुल जाने वाला है। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में नया कुछ रेसिपी लेकर। तब तक के लिए आप लोग आपका ध्यान रखिएगा।